जी मोहतरम, होमवर्क में कोई मसला? फॉर द ईयर एडजस्टमेंट्स पोस्ट की थी पीएनएल में शायद आप लोगों ने, और एज ऑन एडजस्टमेंट्स पोस्ट की होंगी। अच्छा, फॉर द ईयर एडजस्टमेंट्स दो जगह जाती हैं, पीएनएल के मुंह पे भी और एस के प्रॉफिट में भी। अच्छा, एक बात याद रखिए, क्या पीएनएल के मुंह वाली हर फिगर एस प्रॉफिट में जाती है या जो एसआरई टाइप हो? जो एसआरई टाइप, और एसआरई में एज ऑन फिगर्स जाती हैं और एस प्रॉफिट में हमेशा फॉर द ईयर फिगर्स जाती हैं। ओके, नाउ कम ऑन पेज 670। जी वो फिर एज ऑन टाइप आते हैं ना, ये फॉर द ईयर आनी है। फिर तो वो गेम भी रिवर्स होगा और फिर सब कुछ होगा। हाँ जी, एक मिनट यार, एस प्रॉफिट वाले को जरा रिवाइज कर लें। एस प्रॉफिट में क्या आता है? एस प्रॉफिट वाले अकाउंट में, वैसे तो हैंड रिटन पेज नंबर 6 के ऊपर गालिबन इसका फॉर्मेट बना भी हुआ है। अच्छा, इसमें आता है एस का प्रॉफिट, इंपेयरमेंट लॉस गुडविल का सिर्फ तब आएगा, एक मिनट जरा चुप करें, इंपेयरमेंट लॉस गुडविल का सिर्फ तब आएगा जब एनसीआई, और वो भी इंपेयरमेंट लॉस जो इस साल का है फॉर द ईयर, और इसमें एस टू पी के स्टॉक वाला प्रॉफिट रिवर्स होगा, एस टू पी के फिक्स्ड एसेट वाला अगर गेन आया हुआ है तो गेन उल्टेगा, डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूएशन सरप्लस इधर आएगी और डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूएशन लॉस इधर आएगी, तो इस साल वाली फॉर द ईयर। तो ये वो चीजें हैं सारी जो इधर आती हैं एस प्रॉफिट में। डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल को अलग से लाने की जरूरत नहीं है असल में। एक मिनट जी, मुझे पता चल गया था आपका सवाल। असल में तो कल जो मैंने आपको ये एडजस्टमेंट कराई थी, एस आर ई में भी यही 375 डेबिट पे ले गए होंगे आप घर में, और अगर आपका दिल चाहे तो एस प्रॉफिट में भी ये ले जाते, लेकिन ये गलती होती। अदर इनकम उल्टाना और डेप्रिसिएशन उल्टाना अगर फॉर द ईयर है तो फिर तो 375 को एस प्रॉफिट में शो करने पे मुझे एतराज नहीं है, लेकिन अगर अदर इनकम और डेप्रिसिएशन का कोई हिस्सा पिछले साल से रिलेट करता है तो ये गेन आया था यकम जनवरी 17 को, ये पिछले साल का गेन था और ये 75 रुपए की डेप्रिसिएशन डेढ़ साल की थी यकम जनवरी 17 से लेके 30 जून 18। तो अब जब एस आर ई में हमने इसको पोस्ट करना है तो तब तो एज ऑन सारी चीजें 375 में एसआरई डेबिट पीपी क्रेडिट, लेकिन जब एस प्रॉफिट में पोस्ट करना है तो वो फॉर द ईयर है, तो अदर इनकम पिछले साल रिकॉर्ड हुई होगी तो इसे इस साल के पीएनएल के मुंह से माइनस करना या इस साल के एस प्रॉफिट में शो करना अजीब सा लगता है, तो इसलिए पीएनएल के मुंह से अदर इनकम भी नहीं माइनस करनी और डेप्रिसिएशन भी पीएनएल के मुंह से 75 माइनस नहीं करनी। 75 की बजाय सिर्फ डेढ़ साल में से एक साल की कितनी माइनस करनी है? 50। तो जब डेप्रिसिएशन 50 माइनस करनी है तो फिर एस प्रॉफिट पे भी 50 का इफेक्ट सोचने। अब डेप्रिसिएशन कम हो जाने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब असूली तौर पे तो जो मैंने एस प्रॉफिट की आपको वर्किंग दिखाई है, उस वर्किंग के अंदर फिक्स्ड एसेट का गेन नेट ऑफ डेप्रिसिएशन आना चाहिए, वो इस साइड पे आना चाहिए, गेन और डेप्रिसिएशन नेट करके उल्टे, लेकिन अनलकीली गेन हम उल्टा नहीं रहे, हम उसकी सिर्फ डेप्रिसिएशन उल्टा रहे हैं। तो जब डेप्रिसिएशन उल्टा रहे हैं तो अनलकीली एस टू पी के फिक्स्ड एसेट की नेट गेन की बजाय खाली डेप्रिसिएशन आपको सॉल्यूशन में इधर उलटती हुई नजर आ रही होगी। यह हुआ था, स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ठीक है, मैं मानता हूं कि एस टू पी वाला गेन नेट ऑफ डेप्रिसिएशन इधर उलटना चाहिए,
बट मैं उल्टाना चाह रहा था लेकिन वो फॉर द ईयर नहीं, पिछले साल का था, तो फिर मैंने अदर इनकम को भी नहीं उल्टाया, पिछले साल की 75 में से 25 डेप्रिसिएशन को भी नहीं उल्टाया, और खाली मैंने 50 की डिप्रिसिएशन को उल्टाया। लेकिन वो फिर साइड बदल जानी थी ना, डेप्रिसिएशन उल्टाने से प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, वो अनलकीली फिर साइड पे आ गया था। तो ये एक बस सवाल में अजीब सी एडजस्टमेंट। चलिए जी पेज 670, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, क्वेश्चन 35, पेज 670, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। सेल्स आ रही हैं, एडमिन एक्सपेंसेस आ रही हैं, अदर इनकम आ रही हैं और प्रॉफिट्स आ रही हैं। ये क्या बनी हुई है? कॉस्ट ऑफ सेल नहीं होगी, कोई ऐसा बिजनेस होगा जिसमें सर्विसेज रेंडर करते हो, मिसाल के तौर पे। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, एक्सट्रैक्ट्स, ये क्या आ रही है? वर्किंग सिक्स आ रही है। ओके अच्छा जी, वर्किंग सिक्स में ये यकम जनवरी 18 के बैलेंसेज आ रहे हैं, ये प्रॉफिट आ रहा है फॉर द ईयर, 18 का साल है ना, तो 18 की जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनेगी वो शुरू होगी यकम जनवरी 18 से और खत्म कब होगी? 31/12/18 को, और इसमें प्रॉफिट किस साल का आएगा? 18 का, और फाइनल डिविडेंड 17 का और इंटरिम डिविडेंड 18 का आएगा। अच्छा प्रॉफिट सही आ रहे हैं, सही है। अच्छा बैलेंस शीट सवाल वाले ने दी भी, कोई मसला नहीं, बैलेंस शीट सवाल वाले, अगर बैलेंस शीट दी होती तो बैलेंस शीट में क्या सीआरई ये नजर आ रही होती, यानी पीआरई ये नजर आ रही होती, और अगर बैलेंस शीट दी होती एसआरई ये नजर आ रही होती। तो वर्किंग सिक्स करने की जरूरत है, यानी वर्किंग सिक्स कुछ भी नहीं है, तीन चीजें होती हैं, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पी एंड एल गिवन है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बैलेंस शीट मिसिंग है, और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी गिवन है। ये 99 हम ले जाएंगे वर्किंग नंबर 3 में, और ये 75 ले जाएंगे वर्किंग नंबर 2 में। क्लियर? ओके अच्छा डिविडेंड के बारे में सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ आगे, तो डिविडेंड मुझे बता दें कि डिविडेंड फिर लोग छोड़ देते हैं और कंपनीज की किताबों में पेबल नजर आते हैं, या डिविडेंड्स लोग नहीं छोड़ते? नहीं छोड़ते। तो फिर ऑब्वियसली जब भी मैंने कहा था डिविडेंड के बारे में सवाल साइलेंट होगा, डिविडेंड अनाउंस हो रहा हो तो उसको क्या समझेंगे? पेड समझेंगे। तो पहली तो बात लिख लें, इसको पेड समझना है। ओके चलिए जी लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले मैं वर्किंग सिक्स करूंगा, वर्किंग सिक्स हुई हुई है, इसके बाद मैं बैलेंस शीट का सवाल सॉल्व करूंगा। बैलेंस शीट का सवाल सॉल्व करने के लिए मैं प्रॉफिट्स वाला डाटा सारा मिटा रहा हूं और बैलेंस शीट का सवाल शुरू करता हूं। वर्किंग थ्री और वर्किंग टू का डाटा अवेलेबल है, यहां से सवाल शुरू कर दें। बैलेंस शीट का सवाल ही है लेकिन इसको आपने बड़ा एंजॉय करना है। 99 और 75, जो खेंचतान के डाटा अवेलेबल है ना वो लिखते रहे। अच्छा मैं सवाल की रिक्वायरमेंट ना पढ़े अभी, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31/12/18। ओके वर्किंग वन एडजस्टमेंट अकाउंट, वर्किंग टू एसआरई, वर्किंग थ्री सीआरई, वर्किंग फॉर एनसीआर। चलें 75 99 जी, 75 99। ओके अब आपने ढूंढना पता है क्या, कि ये 18 का साल है, 18 के साल में आगे नहीं जाना, 18 के साल में गौर से बात सुनिएगा, अगर 18 के साल में पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा हुआ, ए ए ओ ए इधर देख बच्चों, अगर 18 के साल में पेरेंट ने अगर 18 के साल में पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा हुआ, मिसाल के तौर पे यकम फरवरी 18 को, मैं नीचे नहीं पढ़ा, मिसाल के तौर पे यकम फरवरी 18 को, तो फिर मैं करूंगा क्या, मैं प्री निकालने के लिए बीडीबी पकड़ूंगा, बीडीबी पकड़ूंगा। अगर मैंने यकम फरवरी 18 को खरीदा है तो मैं बीडीबी पकड़ूंगा और 55 का 1/12 भी पकड़ूंगा,
इज इट सो? अगर मैंने यकम फरवरी को खरीद लिया तो 11 महीने तो मैंने कंसोलिडेट करने हैं, तो मैं डीडी भी पकड़ूंगा और 1/12 भी पकड़ूंगा और क्या निकल आएगा? प्री। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा काम मुझे शायद, और फिर अगर करना पड़ा तो फिर मैंने पी एंड एल वाली फिगर्स को भी 11/12 करना पड़ेगा, क्योंकि 1/12 मैंने खरीदी है और 11/12 कंसोलिडेट करेंगे। ये बात मेरी दोबारा सुन लें, अगर पेरेंट ने सब्सिडी को खरीदा यकम फेब को, तो ना यकम जनवरी वाली आरी उठानी है ना 31 दिसंबर वाली, फिर आपने आरी उठानी है ब्राउन जमा 55 × 1/12, यानी 30 × 55 × 1/12, ये प्री हो जाएगी, इसको मैं बाय कर लूंगा पैसे देके। लेकिन मेरे ख्याल से अभी ना 75 की जरूरत है ना 30 की जरूरत है, इससे बहुत पुरानी हमने सब्सिडरी को खरीदा हुआ है। पी ए क्वार्ड 90% ऑफ शेयर ऑन जकम जनवरी 13 व्हेन द रिटेन्ड अर्निंग वर 5, तो वो ये तो फिर सवाल वाला गिवन करेगा ना, ये मैं खुद तो नहीं निकाल सकता, वो इतनी पुरानी बात कर रहे हैं मुझे। प्री बोलेंगे नोट भाई, सवाल ही है लेकिन नोट तो करनी है ना, आप लोग तो बहुत ही ठंडे हो गए आज, नोट तो करें साथ साथ दे दो कोई कमेंट आप, ब्लू शर्ट आप ही कह रहा हूँ, कभी कभी देते हो ना कमेंट, मैंने कहा था आधे पौने घंटे बाद दे दिया करो कमेंट। अच्छा चले पॉइंट नंबर 2, इन 2015 द गुडविल वॉज इम्पेयर्ड बाय 3 एंड इन 2018 इट इज फर्दर इम्पेयर्ड बाय 10 एंड एनसीए इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। एनसीआई इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, एनसीआई इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। ओके अच्छा जी, इंपेयरमेंट लॉस हमने किस साल खरीदा सब्सिडरी को? 13 में, 13, 14, 15, 16, 17, 18। जिस तरह डेप्रिसिएशन हर साल की निकलती है ना, ऐसे इंपेयरमेंट लॉस भी हर साल आ सकता है। आप शुरू से आके बैठे हुए ब्लैक शर्ट, ये लेट आयो, शुरू से आके बैठे हुए नजर क्यों नहीं आ रहे थे? अच्छा मैं इधर ढूंढ रहा था। अच्छा जी, 13 का इंपेयरमेंट लॉस 0 है, सही है ना? 14 का इंपेयरमेंट लॉस 0, 15 का, 16 का, अच्छा जिस वक्त मैं बैलेंस शीट बना रहा हूंगा, तो बैलेंस शीट बनाते हुए तो एज ऑन टाइप मुझे लॉस चाहिए होगा 13। एनसीआई किस पे है? फेयर वैल्यू पे, तो जब एनसीआई फेयर वैल्यू पे हो तो बैलेंस शीट का सवाल सॉल्व करते हुए एसआरई डेबिट और गुडविल क्रेडिट नोट कर लेंगे, 13 रुपए से एंट्री कराएं, एसआरई डेबिट गुडविल क्रेडिट बुक पे नोट कर लेंगे, एसआरई डेबिट गुडविल क्रेडिट 13 की, 14 की, 15 की, 16 की, 17 की, 18 की। चलें टोटल 13। एसआरई डेबिट करूं या सीआरई डेबिट करूं? एसआरई डेबिट करें जी। इंपेयरमेंट लॉस कम्युलेटिव या फॉर द ईयर? कम्युलेटिव जी। 0 + 0 + 3 + 0 + 0 + 10, इसे कहते हैं टाइम जाया करने के मुख्तलिफ तरीके। टोटल 13 एसआरई डेबिट और गुडविल जो आई नहीं वो कर आई, पता नहीं कितनी आई है, गुडविल क्रेडिट। अच्छा आप देख रहे हैं अब आगे क्या करेंगे सारा, उनकी होना है यार, कुछ भी नहीं होना, सवाल में मांगे नहीं हुआ उसने कुछ, उसने सिर्फ सीआरई मांगी हुई है, सवाल की रिक्वायरमेंट जिन्होंने पहले की पढ़ ली हुई है, एनसीआई निकल नहीं सकती, क्लास के बाद कहूंगा। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 एंड व्हाट फिगर ऑफ सीआरई विल अपीयर इन बैलेंस शीट एज ऑन, तो बैलेंस शीट के फेस पे इसने गुडविल भी नहीं मांगी भी, क्योंकि गुडविल का डाटा नहीं दिया, गुडविल तो मैं निकाल नहीं सकता, गुडविल की इंपेयरमेंट तो मैंने पोस्ट कर दी है लेकिन गुडविल तो नहीं मैं निकाल सकता, सिर्फ बैलेंस शीट के मुंह पे उसने क्या पूछा है? सीआरई कितनी जानी है। अगले सवाल में बैलेंस शीट के मुंह पे सीआरई एनसीआई दोनों मांगेगा, तो मजबूरन अगले सवाल में वो शेयर कैपिटल का डाटा देगा,
एनसीआई का भी डेटा देगा, वो देगा अगले सवाल में डेटा। इस सवाल में उसने सिर्फ क्या मांगा है, अब सीआरई मांगी है, तो जब सीआरई मांगी है इसको तो रिक्वायरमेंट काट देना यार, ये तो पी एंड एल बाद में बनाएंगे हम, तो अभी उसने सिर्फ क्या मांगी है, सीआरई मांगी है। तो जब सीआरई मांगी है तो क्या करें, बोले 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 बोले, आप मुझे ये बता दें सिर्फ सीआरई का कैरी डाउन उसने मांगा है। अच्छा, शेयर कैपिटल सवाल में क्या था, मिसिंग था, ये नहीं कह सकते कि जीरो लेना है, ये नहीं कह सकते जीरो लेना, इट इज इंपॉसिबल, डेटा ही नहीं है, तो इसलिए मुझे ये भी नहीं पता, इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं मुझे पता कितने की है, मुझे एनसीए की फेयर वैल्यू भी नहीं पता, इस वजह से गुडविल भी। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं जीरो, लेकिन ऐसी बात नहीं कि बिजनेस में शेयर कैपिटल लेना हो तो शेयर कैपिटल लेना हो, इन्वेस्टमेंट ही ना की हो, मुफ्त में हमने सोदी किसी चीजें खरीदनी हो, बोंगिया नहीं मारनी, बोंगी भी लेवल होता है ना बोंगी का, नहीं ऐसी कोई सब्सिडरी है जिसका शेयर कैपिटल भी नहीं है, सऊदी किंग भी मुफ्त लगाया हुआ है, हमें मुफ्त में देके चला गया, इमरान खान भी कुछ नहीं चाहता, लुटे क्या है ये कंपनी है हवाए, तो ये इसका मतलब है शेयर कैपिटल मिसिंग है, आगे सारी चीजें फिर हमारी मिसिंग है, तो इसलिए इन वर्किंग्स को चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये वर्किंग इसलिए जरूरी है कि इसने सीआरई और एनसीआई में जाकर अंडे देने होते हैं, तो अगर ये नहीं होगी तो सीआरई हरी भरी नजर नहीं आएगी, और सीआरई में एसआरई जरूरी होती है, इधर भी एसआरई जरूरी होती है। अच्छा, अगर इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे किया ना तो आपको भी मजा नहीं आता, 57 into 90%, फिफ्टी वन और सिक्स, लेकिन सिक्स में आप कैसे समझने के लिए लिख रहा हूं क्योंकि इसके टोटल तो हो नहीं सकते, कैरी डाउन 150, बस ये मांगा था इसने। ओके, अभी आपने ले लो कैमरा, अभी आपने ये जो पेरेंट का डिविडेंड है 6 रुपए जो बाबा जी रशीद वगैरह को दिया है, ये रेड सफे को आपने फिलहाल दो एतबार से सोचना है, वर्किंग सिक्स के एतबार से, बैलेंस शीट के एतबार से, फिर तीसरे नंबर पे मैं थोड़ी देर बाद पी एंड एल के मुंह के एतबार से भी सोचवाऊंगा। तो अभी पेरेंट का डिविडेंड है, पेरेंट का डिविडेंड है, पेरेंट का डिविडेंड वर्किंग सिक्स के एतबार से सोचें, अकाउंटेंट वर्किंग सिक्स अगर हम खुद करते तो हम यहां शो कर देते, वो तो अल्लाह का शुक्र है अकाउंटेंट ने शो किया हुआ, इट मींस वर्किंग सिक्स करने की जरूरत नहीं है, तो वर्किंग सिक्स के एतबार से ना सोचें क्योंकि वर्किंग सिक्स में हमने कोई मिसिंग फिगर्स नहीं निकाली, उसने रिकॉर्ड कर दिया हुआ, अच्छी बात है, इट मींस अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया हुआ, ठीक है, तो वर्किंग सिक्स के एतबार से सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्किंग सिक्स में तो खुद ही उसने कैलकुलेट करके हमें दे दिया। अब इसको सोचना है बैलेंस शीट के एतबार से, तो पेरेंट का डिविडेंड बैलेंस शीट के एतबार से सोचने के लिए हमारे पास जो सफा मौजूद है वो सफा जो है वो सफा ही है पूरा, वो सफा पेरेंट का डिविडेंड सोचने के लिए जो हमारे पास सफा है वो पेज नंबर 30 है, जिसमें एस का डिविडेंड भी है और पी का डिविडेंड भी है, तो पी का डिविडेंड सोचने के अतबार से अगर पेड है तो बैलेंस शीट के मुंह पर डू नथिंग, बैलेंस शीट के मुंह पर डू नथिंग, तो लाल सफे को पेपर में आपने दो एतबार सोचना है सिर्फ, वर्किंग सिक्स के एतबार से, वो मैं इसलिए नहीं सोच रहा कि वर्किंग सिक्स हुई भी है, और दूसरा आपने सोचना है बैलेंस शीट के फेस के एतबार से, तो अगर डिविडेंड पेड है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अब इसकी आज जरा लॉजिक सुने कि कुछ करने की क्यों जरूरत नहीं है, देखे ना उसने अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर दिया ना पे करके, तो जब रिकॉर्ड कर दिया है तो 99 पे हमारी अर्निंग पड़ी नहीं है, अब आप कहीं सारी को डेबिट करके डिविडेंड पेबल में क्रेडिट करूं, यानी आरी को दोबारा डेबिट करूं और डिविडेंड पेबल क्रेडिट करूं, तो डेबिट का मतलब है 99 में से मैं दोबारा 6 माइनस करूं, तो दोबारा 6 माइनस करने की कोई तुक बन रही है जो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो क्या आरी में डिविडेंड बांटने वाला, आपको पता है अपनी स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में बांटता है, क्या बांटने वाले ने 6 को शो कर दिया है, क्या 99 तक 6 का डिविडेंड रिकॉर्ड हो चुका है, ये तो आपस का है ही नहीं, ये तो लाल सफा, ये तो कभी फाड़ना भी नहीं हमने क्लास में कि ये मिला किसको, इस तरह तो सोचना भी नहीं हमने, सिर्फ बांटने वाले के एंगल से सोचने हैं, लाल सफा या मिलने वाले के एंगल से भी सोचने हैं, मिलने वाले के एंगल से कभी नहीं सोचना, हमेशा बांटने वाले के एंगल से बैलेंस शीट में सिर्फ ऐसे सोचा करेंगे, रिकॉर्ड हो गया तो रिलैक्स रहे पेपर में, कुछ भी ना करें, माइनस हो चुका, रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कर दें, और अगर रिकॉर्ड ना हुआ होता, अकाउंटेंट ने ना किया होता और सवाल कहता कि हो गई है ट्रांजैक्शन लेकिन अकाउंटेंट रिकॉर्ड नहीं कर सका, तो फिर आरई डेबिट
और डिविडेंड पेएबल इन करंट लाइबिलिटीज, और उसको फिर कैंसिल भी नहीं करना किसी से क्योंकि ये आपस का कोई डिविडेंड नहीं है। तो अगर एक पे हो गया तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, या रिकॉर्ड हो गया कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो फिर आर ई डेबिट और पेएबल। चलिए जी, अब हमने 6 को दो एतबार से सोच लिया, वर्किंग 6 के एतबार से इसलिए नहीं सोचा कि वर्किंग 6 में तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बैलेंस शीट बनाते हुए इस 6 को कुछ भी नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी रिकॉर्डेड। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने किसके बारे में सोचना है, 10 के बारे में वर्किंग 6 के एतबार से ना सोचें, वर्किंग 6 में तो ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब 10 के एतबार से बैलेंस शीट के ऊपर सोचते हैं क्या करना है। अगर बैलेंस शीट में सोचने तो क्वेश्चन 12 के 5 सिनेरियोस थे, और क्वेश्चन 12 के 5 सिनेरियोस में जो पेड वाला सिनेरियो था उसमें हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, व्हाइल प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इफ द सब्सिडरी हैज बांट इट्स डिविडेंड, ये पूरा होता है 10, ये पूरा इफ द सब्सिडरी ने अपना डिविडेंड बांट दिया है यानी पे कर दिया है, तो इसका मतलब है आपस के रिसीवेबल पेएबल खड़े ही नहीं है किताबों में, तो फिर कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये पेड वाला सिनेरियो है, पांचवा सिनेरियो है, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के एंगल से इसको मैंने क्या कर दिया, बोले 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 इग्नोर कर दिया। तो अब 6 को और 2 को 10 को दो एतबार से हमने देखा, वर्किंग 6 के एतबार से आज छोड़े ना, वर्किंग 6 में तो हुआ है, तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन के मुंह पर डू बिकॉज इट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड, और क्वेश्चन 12 के एंगल से ये 10 रुपए सोचें, पांच सिनेरियोस में से कौन सा सिनेरियो है, सिनेरियो 5, ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हुए मैं सोचूंगा। अब मैं करूं क्या, ये सिनेरियो नंबर 5 है, मेरा कंक्लूजन डू नथिंग। चलें जी, ये हमने सोच लिया इन दोनों को क्या बनाते हुए, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हुए, तो बैलेंस शीट हमारी अल्लाह का शुक्र है सही बनी हुई है, टोटल्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सीआरई का बैलेंस मांगा हुआ था। मैं पानी तो वैसे ही पी रहा हूं क्योंकि आपको नोट करने का टाइम दिया है। ओके, चलें जी, लेट्स मूव टूवर्ड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। आई एम गिविंग यू ओनली 3 मिनट्स टुडे फॉर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। तू बुक लाएगा? अच्छा मैं डाल रहा हूं, ये नोट कर ले पहले। तीन चीजें हैं सिर्फ, तीन, या तो कोई बच्चा 3 गलतियां करेगा या 2 गलतियां करेगा या 1 गलती करेगा या कोई गलती नहीं करेगा, जो 3 गलतियां करेगा उसको 76 मार के जो है वो क्लास से आज मैं निकालूंगा सबके सामने, आज दिखी जाएगी, जुमा जाके वो बादशाही मस्जिद पड़ेगा फिर गांव में। कौन सॉलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, कौन सी तारीख है इस्लामी महीने की, 24 है, मुझे 6 दिन बाद पता चलेगा कब ईद है, भाई कह रहे हैं सैटरडे संडे को आ रही है, जबरदस्त है यार, बोल रहे हैं संडे को ईद, जबरदस्त। चलें जी जल्दी करें, 100 से 50 किलोमीटर वाले इलाके वाले ना अपने घरों में जाएं, सफा बस इससे दूर वाले ना जाएं, तलवार सर पे लटक रही है सितंबर, तो 50 या 100 किलोमीटर के एरिया में अगर आपका घर है तो फिर चले जाएं, वरना ना जाएं। चलें जी, हाथ खड़ा कर दें अगर एट्रिब्यूटेबल टू वाली वर्किंग भी कर ली है, हाँ तो फिर हद होगी यार, 5 दिन से रो रहे हैं और एट्रिब्यूटेबल वाली वर्किंग नहीं कर रहे हैं, थम्स डाउन क्यों कर रहे हो, जल्दी करो एट्रिब्यूटेबल वाली वर्किंग, बैठ जाओ उसके साथ आके, फिर थोड़ी थोड़ी दीवार जो छेड़ दो। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31/12/18।
जी कितने लोगों ने कर लिया हाथ खड़ा कर दें, उस क्लास में जिन लोगों ने कर लिया हाथ खड़ा नहीं किया हाथ खड़ा करें, मेहरबानी आप लोगों की, हाथ खड़ा कर दिया करें। डन जी। ओ यार तो अलियास प्रॉफिट पे लगे हैं, छेती कर छेती कर। अच्छा थोड़ी कम चीजें भी आ जाए ना बंदा परेशान हो जाता है यार, पता नहीं कोई कोई चक्कर है। पिछली दफा वालिदा ने 6 किलो आलू छिलवाए थे, इस वक्त 3 आलू देके क्या छीलो, कुछ चक्कर है ये कुछ चक्कर है, ये कुछ खास आलू है। नहीं भाईजान वही है, वही 6 किलो में से 3 दे रही हैं आपको। ओके अच्छा जी, वर्किंग 5 जरा मैं रिवाइज करवा दूं आपको। वर्किंग 5 डिस्क्रिप्शन इधर जाती है और लॉस क्रिप्शन इधर जाती है, एस टू पी स्टॉक, एस टू पी फिक्स एसेट और इंपेयरमेंट लॉस इधर तब जाता है जब एनसीआई किस पे हो। और याद रखेगा सारी चीजें इसमें फॉर द ईयर जाती हैं, एज ऑन टाइप नहीं जाती, सिर्फ फॉर द ईयर इस साल की चीजें जाती हैं। चलें जी, सेल 80 को मैं 9/12 10/12 इसलिए नहीं कर रहा कि मैंने 2013 में खरीदा, मैं 18 के मिड में नहीं खरीदा। एक्सपेंसेस जी 30 एंड 25, अदर इनकम 20+0। ओके चलिए जी, अब इसके साथ ही 55 को भी ले जाया करें। वर्किंग 5 अच्छा एक चीज ना आपने जरूर नजर मारा करनी है कि अगर कोई नेगेटिव गुडविल इस साल आए ना विदिल फर्स तो उसको कहां लेके जाया करना है, अदर इनकम के अंदर। ठीक है ओके अच्छा जी, अब हम सवाल की तरफ आते हैं और सवाल के अंदर जो है वो एडजस्टमेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं। ये तो जी 5 रुपए वाली जो एडजस्टमेंट है ये कहां चली जाएगी, ये तो सीधी सीधी बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट है इसलिए इसको इग्नोर करें, प्री वाली अर्निंग है। 13 की बातों का 2018 के फर्दर ईयर से ताल्लुक ही कोई नहीं, तो ये तो 2013 का डाटा है। इस एडजस्टमेंट को पढ़ें, 15 की गुडविल 3 रुपए और 18 की गुडविल 10 रुपए, इसमें फर्दर ईयर कितनी है। तो अब हम 13 रुपए को नहीं लेंगे, अब हम सिर्फ 10 रुपए को लेंगे और इसकी एंट्री हम सोचेंगे इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट गुडविल क्रेडिट, बट 13 रुपए से या 10 रुपए से, 10 रुपए से। एक्स इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना होता है, रिवर्स नहीं करना होता, तो इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड हो गया। अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेस पे है तो ये 10 रुपए तो यहां लिखेंगे लेकिन इधर नहीं लाएंगे, लेकिन अब एनसीआई फेयर वैल्यू पे है इसलिए ये 10 रुपए इधर भी लाएंगे। बोले 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 इंपेयरमेंट लॉस 10 करोड़, 13 रुपए नहीं आना, 13 रुपए एज ऑन था, 10 रुपए आने फॉर द ईयर। अच्छा जी अगला काम, 6 रुपए और 10 रुपए, नेवर एवर थिंक अबाउट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम रिगार्डिंग दिस रेड पेज, बिकॉज P&L में तो वो डालेगा जिसकी अदर इनकम है। बाबा रशीद वगैरह की अकाउंटिंग तो हम कर नहीं रहे, हम तो बांटने वाले की बातें कर रहे हैं, इसलिए नेवर एवर थिंक अबाउट पेरेंट्स डिविडेंड रिगार्डिंग कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम का मुंह। नाउ थिंक अबाउट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। अब आप मुझे बताएं, जल्दी नहीं आ गए क्या हुआ, फटा हो गया था कोई, स्वयं हटा के लाए हो। अच्छा चलें जी, जुमा ना ना क्या? अच्छा अच्छा छोड़ो, अच्छा मुझे ये बताएं कि वर्किंग सिक्स में सब्सिडरी ने इसको पे करके डाल दिया है, तो जब वर्किंग सिक्स में पे करके डाल दिया तो इसने तो पूरा डिविडेंड यहां डाला होगा, लेकिन पी ने अपनी सेपरेट, क्योंकि पे हो रहा है सब्सिडरी की तरफ से, तो क्या पी ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिसीव करके अदर इनकम में डाला होगा? कुछ अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं, मैं अज्यूम करा डाला होगा, अगर पेड हो गया तो दूसरे ने क्या कर लिया। अच्छा मुझे बताएं, दूसरे को पूरा 10 रिसीव हुआ होगा या अपना हिस्सा रिसीव हुआ होगा? तो आप बता दें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में 10 माइनस करें या 10 का 90%, 90%, तो अदर इनकम में से माइनस करेंगे
पीज शेयर ऑफ एस डिविडेंड, अदर इनकम में से डिडक्ट करेंगे, डिडक्ट लिखे मैंने, अदर इनकम में से डिडक्ट करेंगे पीज शेयर ऑफ एस डिविडेंड। तो ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एंगल से सोचा है। ये डिविडेंड आज मैं तीसरी दफा माइनस कर रहा हूं, आज भी माइनस किया था, कल भी माइनस किया था, परसों भी माइनस किया था, अगला सवाल दोबारा आ रहा है उसमें भी माइनस करना है। तो पेरेंट ने अगर अदर इनकम में डाला हुआ है तो इसको निकाल दें। अच्छा यहां पे ना इस तरह निकाला करेंगे फुट नोट में, पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड। क्यों मुझे यकीन है कि इसने डाला हुआ इनकम में उसने पे कर दिया है तो इसने रिसीव कर लिया होगा, तो रिसीव कर लिया तो निकालें। पूरा 10 इसने इनकम में डाला होगा या 10 का 90% कितना, 9, 9 क्या कर दें, इस 20 रुपए में पड़ा हुआ है इसे यहां से क्या कर दें, माइनस कर। अच्छा अब तीन एडजस्टमेंट्स जो आपने पोस्ट करनी थी, इधर देखें ये 10 रुपए आपने ऐड करने थे, ये 10 रुपए आपने यहां रिकॉर्ड करने थे, और ये 9 रुपए जो है वो आपने यहां शो करने थे। अब आप मुझे बता दें कितने लोगों ने ये 10 रुपए यहां ऐड किए थे, कितने, छोड़ें ऐड नहीं किए थे, ओके कितने लोगों ने 10 रुपए यहां शो करना भूल गए थे। हैंड रिटन पेज नंबर 6 और 7 की विटामिन की कमी पाई जा रही है। अच्छा कितने लोग ये माइनस करना भूल गए थे, यार होमवर्क में भी कल माइनस नहीं किया, होमवर्क किया नहीं, आपकी शिकायत से लग रहा है नहीं किया आपने, नहीं किया। अच्छा हाथ खड़ा करें, कितने कितने लोगों से नहीं हुआ था अभी ये माइनस, हाथ 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 खड़ा करें, होमवर्क किया था, होमवर्क किया था, होमवर्क में माइनस किया था, होमवर्क में माइनस किया था, होमवर्क में माइनस किया था, होमवर्क में किस चाचू ने याद कराया था माइनस करने को, और वो चाचू अभी किधर है, सोल्यूशन याद कराया था। अच्छा जी चलें, तो ये भाई गलती है इसको आपने कभी भूलना नहीं है। ये तीन एडजस्टमेंट्स थी, तीनों चीजें किसने की, ना यहां 10 ऐड किया, ना यहां 9 माइनस किया, ना यहां 10 बुक किया, वो हाथ खड़ा करे, एक कुछ शर्म याद कर लो, 180 126 एट्रीब्यूटेबल टू, असल में ना इधर सीआरई के एडजस्टमेंट इसलिए नहीं करनी, बैलेंसिंग आ जाती है इधर। अच्छा भाई आज मैं एक बात आपसे करने लगा हूं, इधर ना आपने पेरेंट नहीं लिखा करना, इधर पूरा लिखना करना है पेरेंट ओनर्स, और ये परेशान ना हो पेरेंट ओनर्स, वो जो बाबा जी रशीद है उनके उनके लिए पेरेंट के सारे प्रॉफिट भी अपने हैं, और उनके लिए सब्सिडरी के जो प्रॉफिट्स का 90% है वो भी इनका अपना है। तो यहां आज के बाद अपने पेरेंट ने लिखा करना, यहां पेरेंट ओनर्स लिखा करना है, और यहां पूरा पेपर में लिखा करना है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। चलें जी ये सवाल हमारा मुकम्मल हुआ, अगली सवाली की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन 36 पढ़ लें। हाँ नोट तस्वीर खींच ले, मैं खींच ली तस्वीर। उधर करो कैमरा। कल हमने IS 28 शुरू करना है। IS 28 में यह होगा कि कोई सब्सिडरी नहीं होगी, बल्कि आपको तीन बैलेंस शीट्स कल गिवन होंगी, एक पेरेंट की, एक सब्सिडरी की, और एक ऐसी कंपनी की जिसके हमने 20 से 50 के दरमियान शेयर खरीदे होंगे, यानी लेस देन 50। तो फिर उन तीन बैलेंस शीट्स को हम कंसोलिडेट करेंगे। ओके साढ़े बोलो दो नहीं हो रही है। कौन बोला है? यार हाथों की यार इतनी तो ना करना। हम द फॉलोइंग बैलेंसेज आर एक्सपेक्टेड from the records of Hazir Limited, Present Limited and Mustaqbil Limited for the year ended 30 June 2017। बबलू बातें कर ली, चलो अब इधर देखो, सेल आ रही है पेरेंट की और सब्सिडरी की, कॉस्ट ऑफ सेल और एडमिन एक्सपेंसेस आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही हैं, शेयर कैपिटल आ रहे हैं, और रिटेन्ड अर्निंग क्लोजिंग आ रही हैं। वैसे आमतौर पर सेल कॉस्ट ऑफ सेल दी होती थी ना, रिटेनिंग ओपनिंग आ रही होती थी, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग कौन सी आ रही है, क्लोजिंग आ रही है। क्या बताइए सिक्स करनी पड़ेगी? जी हाँ, क्योंकि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कुछ थोड़ा थोड़ा डाटा दिया हुआ है गिना चुना, और पूरा डाटा नहीं दिया हुआ हमें, वर्किंग सिक्स करनी पड़ेगी। लेकिन वर्किंग सिक्स के लिए ना डिविडेंड वाली लाइन जरा मुझे पढ़ के जानी पड़ेगी पहले, ताकि मैं सोच लूं कि क्या करना है। एस ने पे कर दिया है डिविडेंड,
एट द रेट ऑफ 5% इन मई 2017। ये मेरे ख्याल से इंटरिम होगा, क्योंकि बिल्कुल साल के आखिर में जो बांटा जाए ना, साल खत्म होने से पहले वो इंटरिम होता है। देखे ना, ये देखें, लिखा भी हुआ है, लिखा भी हुआ है। ओके ओके ओके, देखे ना, ये जून चल रहा है, तो अगर यहां को डिविडेंड बांटते हैं तो वो इंटरिम ही होगा, लेकिन अगले साल जो बांटेंगे वो फाइनल होगा। सिर्फ वर्किंग सिक्स के एतबार से सोचेंगे, इस एतबार से सोचेंगे, तीन एतबार से डिविडेंड को सोचेंगे। पहले वर्किंग सिक्स के एतबार से सोच के बताएं, क्या आपको कोई लफ्ज ऐसा मिल रहा है जिसको आपको देख के लग रहा है कि अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर दिया होगा? पेड, पेड से पता चला कि रिकॉर्डेड बाय। अब बता दें वर्किंग सिक्स में शो करके मिसिंग फिगर्स निकालू ना, क्योंकि अकाउंटेंट ने तो रिकॉर्ड किया हुआ, तो अगर मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो मिसिंग फिगर्स मेरी कुछ अजीब निकलेंगे, अकाउंटेंट कहीं और चल रहा होगा, मैं कहीं और चल रहा होगा। तो इस एडजस्टमेंट को सिर्फ इस एंगल से पढ़ना होता है कि अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया या नहीं किया। तो ये तो वर्किंग सिक्स के एतबार से मैंने सिर्फ पढ़ा है, इसके अलावा बैलेंस शीट के एतबार से और पीएनएल के मुंह के एतबार से इंशाल्लाह मैं बाद में बात करूंगा। वर्किंग सिक्स करवा दें जी। जल्दी जल्दी कर लें। सफेद सफेद लाल सफेद आज पेरेंट ने नहीं बांटा, सिर्फ किसने बांटा है? सब्सिडरी ने। ओपनिंग यकम जुलाई या यकम जनवरी? यकम जुलाई 16। और क्लोजिंग 30 जून। ये क्या बन रहा है? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम एज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट बट मिसिंग इन आवर क्वेश्चन। सो वर्किंग सिक्स का ऑब्जेक्टिव है टू कंप्लीट द क्वेश्चन। वी आर स्टिल वर्किंग हार्ड ऑन क्वेश्चन, वी हैव येट नॉट मूव्ड। मैं ये कह रहा हूं कि हम अभी क्वेश्चन पे मेहनत कर रहे हैं, हम अभी सोल्यूशन की तरफ मूव नहीं किए। असल में इंग्लिश आपको माशाल्लाह समझ आती है, लेकिन कई दफा बच्चे इस धुन में बैठे होते हैं कि वो अंग्रेजी शुरू हो जाए तो वो ये मैंने तजर्बा किया है, बच्चों से खड़े करके पूछे मैंने क्या क्या कह रहा था मैं, नहीं सर। और उर्दू में अगर आप इधर उधर कहीं सोच भी रहे हो, टीचर उर्दू में बात करा हो तो बंदा अंदर एब्जॉर्ब करा होता है। ओके जी, जी प्रॉफिट निकलवाएं मुझे पी का और एस का। 2060 माइनस 30 प्लस 190। 190 को आप गलत जगह ले गए हैं। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है जी, थोड़ा सा साइड पे कर लिया करें पेपर में इस तरह। सब्सिडरी 111 प्लस 50 543। क्लोजिंग आरिस बताएं, क्लोजिंग आरिस सवाल में गिवन है 1996 704। इंटरिम 17, किसका शेयर कैपिटल पकड़े? सफेद सफेद सब्सिडरी का शेयर कैपिटल 2600 जरब 130। चलें जी, बैलेंसिंग निकलवा दें ग्रीन वाली फिगर्स 1476 और 392। लाल सफा कोई नहीं है, पेरेंट ने डिविडेंड नहीं बांटा कोई। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। जल्दी करें,
क्या सवाल में? वो मैं बताऊंगा। आपने सवाल के अंदर जो अकाउंटेंट का डाटा है वो लेके आपने वर्किंग सिक्स पहले बना लिया करनी है। वर्किंग सिक्स के लिए मुझे आरी चाहिए होती है, खर्चे वगैरह चाहिए होते हैं, इनकम चाहिए होती है, और डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ओके, अब सवाल शुरू करता हूं मैं। सेल मिटा दें, कॉस्ट ऑफ सेल मिटा दें, इन्वेस्टमेंट इनकम मिटा दें, शेयर कैपिटल बच गया और रिटेन अर्निंग बच गई। चलें जी शुरू कराएं। 3500-2600। पी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन 30 जून 17। जी मोहतरम, शेयर कैपिटल कितना है पेरेंट का? 3500। जी जी 2600। सात सात नौ ले रही हैं। 1996 और 704। उन्नीस सौ छियानवे एडिशनल इंफॉर्मेशन। पी एक्वायर्ड 65% ऑफ शेयर्स ऑफ एस ऑन यकम सितंबर 16 फॉर 2500। फॉर 2500 शायद गुडविल हमसे निकलवाना चाह रहा है, इसलिए इतना डाटा दे रहा है। चल वापस कर दिया। अच्छा रख ले रख ले रख ले। द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वॉज 1092 मिलियन। हलवा हलवा फिगरें दे रहा है बना बना के। एनसीआई की फेयर वैल्यू 1092। वैसे वर्किंग मन ना लिखा करेंगे, कोई वर्कआउट नहीं हुई, इसलिए एनसीए का एनसीए फेयर वैल्यू इधर लिख देना सही है, उधर ही रखो। पीएल मैयज एनसीआई एट फेयर वैल्यू। अच्छा डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? यकम सितंबर 16। अच्छा मुझे इधर देखें, यकम सितंबर 16, तसल्ली से बात सुनिएगा, तसल्ली से बात सुनिएगा। यकम सितंबर 16 इन दोनों के कहीं मिड में है। यकम सितंबर 16 इन दोनों के कहीं, इसका मतलब है कई साल पहले नहीं खरीदा, इसी साल खरीदा है। तो अगर मुझे पी आर ई चाहिए तो मैं बी डी प्लस 443 का जुलाई अगस्त, बस जुलाई और अगस्त करूंगा। बी डी जमा प्रॉफिट ऑफ 2 मंथ। बी डी एड करना हमेशा याद रखना है आपने। व्हाट इज प्री आर ई? 391 प्लस 443 इंटू 2/12 में जरूर करता अगर मुझे प्री आर ई गिवन ना होती, लेकिन इस सवाल में मुझे प्री आर ई गिवन है तो मैं ओवर एफिशिएंट बनकर 391 जमा 443 इंटू 2/12 करूंगा तो कैलकुलेटर चपेट मार देगा मुझे, और कैलकुलेटर कहेगा ये वो फिगर नहीं है जो तुझे दिख रही है, जो दिखता है वो बिकता है, तो ये वो फिगर नहीं है जो तुझे दिख रही है, ठीक है, तो ये कुछ और है। तो बताएं आपकी क्या सजेशन है, ओवर एफिशिएंट बने और खुद जरा चेक करें बीडी जमा पैर इनटू 2/12, जरा ओवर एफिशिएंट बने और वो निकालें, ये सवाल वाली ले लें। चले फंस गए पेपर में, क्या करेंगे पेपर में? सवाल वाली ले लेंगे या खुद निकालेंगे, सर को फोन लगाएंगे, क्या करेंगे? सवाल वाली ले लें, सवाल वाली ले लें। और ये डिफरेंट क्यों, इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं क्लास में बात करूंगा, आपकी क्लास में आज। ये डिफरेंट क्यों आ रही है? उधर से किसी ने अगर निकालने की कोशिश की है तो मत निकाले, सवाल ने प्री आ रही मुझे खुद दे रही है। ओ भाई, ओ भाई तुझे नहीं खरीदा, ओ पेरेंट, ओ पेरेंट, ओए पेरेंट, ओ पेरेंट, ओए तुझे नहीं खरीदा तू, तेरी क्या मतलब ऑन एक्विजिशन डेट तेरी आ रही इतनी थी, ओ बला से तेरी पेरेंट की आ रही को सर में मारने। अच्छा वैसे पेरेंट की ओपनिंग आ रही कितनी है?
1476 क्लोजिंग आरी, इसके दरमियान में कोई आरी होगी ना जगह सितंबर वाली, उस आरी वो आरी जो भी होगी वो इसमें पड़ी होगी, ठीक है, जो भी होगी वो इसमें पड़ी होगी। तो आई कैप आप ऑब्वियसली पंगे ले रहा है, आई कैप को समझ नहीं आ रही कंसोलिडेशन में करेगा, तो एक इस तरह की एक दो चीजें कभी कभी डाल देते हैं, तो अगली दफा वालों को बंदा बता देता है ये इग्नोर करनी है। तो अब ये बता देना ये प्री आरी पेरेंट की है, पेरेंट को किसी ने खरीदा, जब नहीं खरीदा तो इसकी प्री आरी इग्नोर करें। पहले आप इसे कहें नवे आए हो सोने हो, फिर आप इसे कहें निकल जाओ इधर से। प्री आरी पेरेंट के तो कुछ नहीं करनी ना, सब्सिडरी की बता दें प्री, जिसको मसला है कि प्री आरी सही नहीं निकल रही, तो उसके लिए जो मैं जगह छोड़ा हूं इसको मैं साबित करूंगा कि प्री आरी सही जो सवाल ने दी हुई है वो भी सही है। फिलहाल सवाल वाली उठा लें जो क्वेश्चन में दी हुई है, इधर अच्छी खासी जगह छोड़ देते हैं। बीडी जमा दो महीने का प्रॉफिट डालने को आप मुझे शायद कह रहे थे, तो बीडी जमा दो महीने का प्रॉफिट में डाल के आपको चेक करवा दूंगा, इधर ही बैठे रहिएगा बस, इसके लिए जगह यहां छोड़ देते हैं थोड़ी सी, कोई एडजस्टमेंट वगैरह हुई तो यहां से कर लेंगे जी। 506.5 नोट कर लें। अच्छा जी, ये एडजस्टमेंट जो है ना 0.2, ये पी एंड एल के एंगल से है, बैलेंस शीट के एंगल से नहीं है। सर आपको कैसे पता चला? अभी सबर कर जो है, मुझे बैलेंस शीट बनवा लेने दो, फिर मैं ये एडजस्टमेंट भी पढ़ा दूंगा। ओके, अभी बैलेंस शीट बन रही है हमारी, 0.2 में इंशाल्लाह थोड़ी देर में पढ़ता हूँ। एस पेड इन टेरन कैश डिविडेंड एट द रेट ऑफ 5%, हम चाहती मारने लगे हैं भाईजन, देखें इधर एंजॉय करें। जी क्या करें, बैलेंस शीट के एंगल से अगर एस डिविडेंड बांट दे और पे कर दे पे, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था? ये पांच सिनेरियोस पढ़े थे और पांचवें सिनेरियो वाला था ये, तो बैलेंस शीट के एंगल से ये बनता है क्वेश्चन 12 का कौन सा सिनेरियो? पांचवा, फिफ्थ सिनेरियो। इसलिए डू नथिंग या डू चिल, जो भी आप लिखना पसंद करें, इसलिए बैलेंस शीट के सवाल में इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, टोटल्स कर दें। यहां से शुरू करें, गुडविल निकालें, अगर नेगेटिव गुडविल है तो सीआरई में डाल दीजिएगा, पॉजिटिव गुडविल है तो बैलेंस शीट के मुंह पे डाल दीजिएगा। डेटा सारा अवेलेबल है ना, शुक्र, डेटा में मसला कोई नहीं है। 3106.5 इधर आ रही है, उधर आ रही है, इधर आ रही है, ओहो मजा नहीं आया, नेगेटिव आती जी। 485.5 अच्छा जी, बैलेंस शीट के फेस पे शो कर दें। वैसे तो बैलेंस शीट में गुडविल उसने मांगी नहीं है, सवाल की रिक्वायरमेंट में पढ़ के बताऊंगा, गुडविल उसने मांगी नहीं है। अच्छा जी, ये थोड़ी सी मैंने जगह छोड़ी है, मैंने आपको बताया था सीआरई और एनसीआर जी, 197.5 का 65% और 197.5 का 35%, 128.4 69.125, जान दे यार, छट दे यार, तेरी मेहरबानी यार। ऐसा रही 128.4 60, पहले इन दोनों को ना मुझे पोस्ट करवा दिया करो, तेरे दम 2124.6 1.1 चले जी, सवाल की रिक्वायरमेंट, कंप्यूट सीआरई एनसीआई एज वुड अपियर इन द मूव ऑफ बैलेंस शीट एज एट 30 जून 2017 जी। सीआरई 2124.4 एनसीआई 1161.1। अच्छा ये मैं काट रहा हूं कि ये सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, सवाल की रिक्वायरमेंट सिर्फ सीआरई और एनसीआई है, ये सही लिखा हुआ था मैंने लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है।
ओके जी, वर्किंग टू, वर्किंग फाइव और वर्किंग सिक्स कर दें। मैं डेटा घर से लिख के लाया हूं, समझ लें। वर्किंग टू, वर्किंग फाइव और वर्किंग सिक्स कर दें। मैंने एक नया डेटा आपके लिए लिखा है, वो मैं आपको जरा पढ़ा दूं। इधर देखें, पीएनएल है पेरेंट का, पीएनएल है सब्सिडरी का। कितना प्रॉफिट है सब्सिडरी का? 200। बैलेंस शीट है पेरेंट की, सब्सिडरी की। ये पेरेंट की आ रही है और ये सब्सिडरी की आ रही है। पेरेंट ने एक्वायर किया सब्सिडरी को जकम मई 2020 को। प्लीज वर्किंग टू, वर्किंग फाइव और वर्किंग सिक्स कर दें। अगर आप तरतीब मेरे से पूछें, पहले मैं वर्किंग सिक्स करवाता हूं, फिर बैलेंस शीट के लिए वर्किंग टू करवाता हूं और फिर पीएनएल के लिए वर्किंग फाइव करवाता हूं। तो ये तीनों वर्किंग्स कर लें। कुछ होगा और तो मैं बता दूंगा, फिलहाल कुछ भी नहीं है। डेटा कंप्लीट है मेरी तरफ से। ये सवाल है, इसके सोल्यूशन, ओह आई हैव सोल्यूशन एज वेल, ग्रेट यार। सो प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। वीडियो पॉज कर दो थोड़ी देर। ओपनिंग जकम जनवरी 20, क्लोजिंग 31/12/20, 450, प्रॉफिट 200, बैलेंसिंग 250। असल में कॉन्सेप्ट ये होता है कि 250 बीडी जमा 200 का, असल में ये 450 में ये दोनों पड़े हैं ना, तो कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ब्रॉड डाउन इनकम रिडक्शन, जमा डिडक्शन इज इक्वल टू कैरी डाउन इनकम रिडक्शन, तो ये उस तरह बिल्कुल समझा करें। 250 जमा 200 का 4/12, ये आपने खरीदा है और 200 का 8/12, यहां भी बार बार लगाने 8/12 और एस का प्रॉफिट भी 8/12 ही लेने आपने, तो ये 8/12 कैसे जाता है? ओके, ये तो होगी वर्किंग। फिर दूसरे नंबर पे हम पेपर में बनाया करेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए हमें चाहिए होगी वर्किंग टू। वर्किंग टू में हमें एसआरई पहले चाहिए होती है क्लोजिंग, वो 450 है। प्री होती है ब्रॉड डाउन प्लस कुछ कुछ, ठीक है। अच्छा, ब्रॉड डाउन कितने? 250। 200 का कुछ कुछ इंटू 4 317, और फिर आप उसके बाद उसको सीआरई एनसीआई को दे दें। ये आप घर जाके दे दीजिएगा सीआरई और एनसीआई को, डन। अच्छा, आखिरी चीज, आखिरी चीज वर्किंग फाइव। वर्किंग फाइव जब करेंगे, वर्किंग फाइव, तो वर्किंग फाइव को खुला खुला करके करेंगे, ये पहली बात होगी। एस प्रॉफिट, अब पकड़ना 200 को है, आप तो शरीफ लाएं। इसका भी कुछ कुछ लेना है, अब आपने 200 इंटू 133, वट एवर इट मे बी, ठीक है जी, 133। कितने लोगों ने इसी तरह किया था, जरा हाथ का बता दें। ओके, अच्छा हाँ, मैं तस्वीर लेने का वर्जन ये है, लेकिन तस्वीर लेने में आपको फिर ये उधर वाली चीजें भी नजर आ रही होंगी, तो मैं इधर लाइन लगा देता हूं। ठीक है, वो अच्छे बच्चे हैं जो अपने रजिस्टर की तस्वीर खींच रहे हैं। तो बता दें, आज मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा फायदा हुआ हो आपको इससे कॉन्सेप्चुअली। 250 जमा 200 का 4/12 हम प्री में ले जाते हैं और 200 का 8/12 पोस्ट होता है, और इसी को फिर कंसोलिडेशन करते हुए जब पीएनएल का मुंह बनाते हैं तब भी बार 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 क्या करते हैं, 8। असल में पीएनएल का मुंह और एस प्रॉफिट को डिफरेंट चीज नहीं है। पीएनएल का मुंह मीन्स 8/12 एंड एस प्रॉफिट ऑल्सो मीन्स 8/12। आपने क्या गलती की थी? अच्छा,
जरूरतें पूरी करके बैठा करें क्लास से पहले। अच्छा जी, नाउ अच्छा एक चीज अब आप मुझे और बताएं, ड्राइंग की क्लास हो रही है, हाँ तो होगी ठीक है। पी एक्वायर्ड एस ऑन यकम दिसंबर 17। अब आप जब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम का मुंह बनाएंगे तो सेल को कैसे लेंगे, 200 जमा 70 इंटू 1/12। ये कॉन्सेप्ट तो कई दफा क्लासों में हम कर चुके हैं, ये आपने दो क्लास दो सवाल मैंने क्लास में कराए थे, दो आपने होमवर्क में किए थे, टोटल चार हो गए, सारे बच्चों का मिला लो 100-100 तो 400 सवाल हो गए। तो ये 400 सवाल हो चुके हैं माशाल्लाह, जिसमें हमने ये 1/12 किया हुआ है, ऐसा ही है। अच्छा आप मुझे एक चीज बताएं कि सब्सिडी ये 70 का 1/12 कितना आ रहा है, बिस्मिल्लाह पढ़ के बताएं जरा, 70 का 1/12 तूने पढ़े बगैर बताया, अच्छा बिस्मिल्लाह पढ़ के बताएं 70 का 1/12 कितना आ रहा है, 5.8। अच्छा 200 जमा 5.8 205। आप सब्सिडरी की 11 महीने, ओ ओ ओ सुनो, आप सब्सिडरी की 11 महीने की सेल को इस काबिल भी नहीं समझ रहे कि पीएनएल के मुंह पे डाल के माइनस करें, आप इस काबिल भी नहीं समझ रहे। अगर इस काबिल समझते ना कि 11 महीने की सेल की कोई वेटेज होती फिर 70 अलग से लिखते, माइनस 70 का 11/12 माइनस करने की कोशिश करते, लेकिन मेरे ख्याल से आप सब्सिडरी की सेल को पहले 11 महीने वाली सऊदी किंग वाली उसको इतनी भी लिफ्ट नहीं करा रहे कि 70 को एक दफा पूरा लिख लें। 70 हाथ में आते ही आपने छुरी चला दी है और क्या कर दिया, 1/12। अब इस बात को आपने 15 दफा बोल लें कि पुराने ओनर की सेल 11/12 है ना, पुराने ओनर की सेल को हम इस काबिल भी नहीं समझते कि पीएनएल के मुंह पे लिखें। मैं इस काबिल शायद इसको तब समझता जब मैं इस तरह शो करता ना, 70 को जमा कर दो फिर माइनस कर दो 70 × 11/12, जवाब तो वही आ जाना था, लेकिन हम इस काबिल भी नहीं समझते कि 11/12 का लफ्ज है, 11 तो सऊदी किंग है। हम बस अपने हिस्से में कफायत शार बंदे हैं, हम पुराने लोगों की चीजों को नहीं देखते, हम सिर्फ अपनी चीज को लिफ्ट कराते हैं कि हमारा हिस्सा कितना है, हमारा हिस्सा बोले कितना है। क्या मैं ये बार बार कह सकता हूं, पुराने ओनर की सेल को हम इस काबिल भी नहीं समझते कि P&L के फेस पे डालें, और अगर हमारे बस में हो ना तो हम 70 × 1/12 भी वर्किंग में करें और सिर्फ 5.8 यहां लिखें, हम मेरे बस में हो तो मैं 70 × 1/12 को भी वर्किंग में ले जाऊं और इधर सिर्फ कितना लिखूं 5.8, क्योंकि मेरा 70 है ही नहीं, 70 देखें उदास हुआ, 70 मेरा है ही नहीं। अब एक भाई मजे से ना इधर टांग रख के ऐसे मजे से बैठ, अच्छा तो और रख ले यार, तुझे मना किया मैंने, तो 70 मेरा है ही नहीं, तो बता दें पुराने ओनर की सेल को हम शो करते हैं या उसको इस काबिल भी नहीं समझते कि पीएनएल के मुंह पे शो करें, इस काबिल भी नहीं समझते कि पीएनएल के मुंह पे शो करें। चले जी अब हम सवाल का फेस बनाने लगे हैं, लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछने लगा हूं, क्या ये सब्सिडरी का प्रॉफिट है, इस डेटा को सामने रख के इस प्रॉफिट एंड लॉस को जरा मैं आपके सामने शो करने लगा हूं। मैं वर्किंग फाइव करनी हुई तो इधर कर लेंगे, एस का प्रॉफिट देखना आपने गौर से। आज मैं ना ऐसे ही सब्सिडरी का सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला जरा P&L बनवा दें, सब्सिडरी का सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला पीएनएल, सेल 1524 माइनस कॉस्ट ऑफ सेल एंड खर्चे 11131 और इनकम है कोई कितनी 443। अच्छा जी अब आप मुझे ये बताएं, ये जो 443 आपको नजर आ रहा है, ये वाला 443 है ना, ये वाला 443 जो हमने निकाला है 1524 माइनस 1131 प्लस 50 इज इक्वल टू 443, ये किसका प्रॉफिट है, एस का प्रॉफिट है, ये किसका प्रॉफिट है, एस का प्रॉफिट है।
इस सेल को अगर मैं 1/12 कर दूं तो ये 1 महीने की सेल निकल आएगी, इसका मतलब है ये फिर जुलाई की सेल होगी। इस सेल को अगर मैं 2/12 कर दूं तो ये जुलाई और अगस्त की सेल होगी, इस सेल को मैं 3/12 कर दूं तो जुलाई अगस्त और सितंबर की सेल होगी। क्लियर हो गया? अच्छा आप मुझे ये बता दें सवाल में एक्विजिशन डेट क्या है? यकम सितंबर 2016। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जो पॉइंट थ्री है इसको समझाने, पॉइंट टू इसको समझाने में मुझे 20 मिनट लग जाने हैं। पॉइंट टू स्टेटमेंट जी, पी एक्वायर्ड 65% ऑफ शेयर्स ऑफ एफएल ऑन यकम सितंबर 2016। अब यकम सितंबर 2016 को खरीदा है, मुझे बता दें पुरानों की सेल कितनी है और नियो की सेल कितनी है। पुरानों की सेल है जुलाई और अगस्त की और नियो की सेल है सितंबर से लेके जून तक। पुरानों की सेल है जुलाई अगस्त की और नियो की सेल है सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून की। ये पहली बात होगी। अब अगर मैं इसको 2/12 कर दूं तो ये जुलाई अगस्त ये सऊदी किंग की होगी, और इसको 10/12 कर दूं तो वो हमारी होगी। इसको 2/12 कर दूं तो वो जुलाई अगस्त की सऊदी किंग की होगी, और इसको 10/12 कर दूं तो ये हमारी होगी। इस 50 को फर्ज करें, ये 50 कोई रेंटल इनकम है और हमने कोई सब्सिडरी ने अपना कोई एसेट किराए पे दिया हुआ है, तो ये 50 रुपये, 50 को 2/12 कर दूं तो ये पुरानों की इनकम हो गई, और 50 को 10/12 कर दूं तो ये नयों की इनकम हो गई। द इनकम्स एंड एक्सपेंसिस ऑफ सब्सिडरी हैड अक्रूड इवनली ड्यूरिंग द ईयर एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इनकम। कहते हैं इसको 2/12 10/12 कर देना, मुझे एतराज नहीं है। कहते हैं इसको भी 2/12 10/12 कर देना, मुझे एतराज नहीं है। कहते हैं इसको ना करना, इसको 2/12 10/12 ना करना। कहते हैं ये ना शायद मैं पुरानों को देना चाहूं, शायद नयों को। ऐसे होता है ना, कोई प्राइस बॉन्ड निकला है किसी का, तो हो सकता है प्राइस बॉन्ड जून में निकला हो, फिर तो 50 रुपये सारा नयों का है, फिर तो सऊदी किंग को पता भी नहीं होगा इस 50 रुपए का, 50 रुपए सारा जून में निकलाया। या अगर प्राइस बॉन्ड जुलाई अगस्त में निकला तो फिर तो सारा पुरानों का है। कहते हैं द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस हैड अक्रूड इवनली ड्यूरिंग द ईयर एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इनकम। द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर अक्रूड इवनली एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इनकम। अब इसका मतलब है इसका 2/12 करेंगे जुलाई अगस्त की फिगर आ जाएगी, इसका 10/12 करेंगे सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून की फिगर आ जाएगी, इसका 2/12 करेंगे जुलाई अगस्त की फिगर आ जाएगी, और इसका 10/12 करेंगे तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून की फिगर आ जाएगी। द इन्वेस्टमेंट इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। हमारे सिलेबस में टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है कंसोलिडेशन के, इसलिए ये बात मेरी नजर में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि द इन्वेस्टमेंट इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगली बात भी काट दें, वो तो अक्रूवल और कैश अकाउंटिंग की बात करें, वो आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा। द इन्वेस्टमेंट इनकम हैड बीन रिकॉर्डेड इन अगस्त, द इन्वेस्टमेंट इज टोटली रिकॉर्डेड इन अगस्त। हो सकता है, हो सकता है शहबाज शरीफ गुजर रहा हो, शहबाज शरीफ ने गुजरते हुए कहा हो ये कम यूफन किसकी है, ये सऊदी किंग की है। शहबाज शरीफ ने उतर के, सऊदी किंग आपने तो बड़ा जोर कमाल काम किया है अगस्त में, तो हमें हार्म भी नहीं, हम तो आए ही नहीं अगस्त में इस बिजनेस में, हमें क्या पता अगस्त में क्या हो रहा है। तो अगस्त में शहबाज शरीफ उतराओ उतर के गाड़ी से कहा सऊदी किंग यार आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, और आपने बड़ी जबरदस्त इधर इन्वेस्टमेंट स्कीम है और जबरदस्त आपका काम चल रहा है, अल्लाह आपका भला करे यार, ये 50 मिलियन मेरी तरफ से रख लें आप लोग। तो ये तो प्योरली किनका है, पुरानों का या नयों का? मेरा सवाल आपसे यह है, क्या ये जुलाई अगस्त के महीने में किसी दिन मिला है या ये सितंबर से जून वालों का है? आप बस मुझे ये बता दें, ये जुलाई अगस्त वालों का है या सितंबर से जून वालों का है? जुलाई अगस्त वालों का है। अब हम क्या करें, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन, हम पकड़ते हैं 443 और इसमें से माइनस कर देते हैं 50, इसमें से माइनस कर देते हैं, क्योंकि इसको मैंने छुरी नहीं चलानी, इसको छुरी नहीं चलानी, ये किसी एक को दे दूंगा। इधर इधर देखें, 443 में से माइनस क्या कर दिया 50, इधर देखो ना, इन सब पे क्या चलाने, 2/12 10/12 इन पे 2/12 10/12 इन पे 2/12 चलाने की जरूरत नहीं, ये पहले 2 महीने में है तो सारा ही सऊदी किंग का, तो इस पे 2/12 चलाएंगे तो अजीब सी चीज हो जाएगी। अगर 2/12 चलाएंगे तो 50 का कुछ हिस्सा सऊदी किंग को मिल जाएगा सिर्फ थोड़ा सा, और अच्छा खासा हिस्सा हम इंजॉय कर रहे होंगे, हालांकि ये इवनली कमाया ही नहीं हमारी सब्सिडरी ने। ये कब कमाया था, मेरा एक सवाल है, प्री पीरियड में कमाया था या पोस्ट पीरियड में? प्री पीरियड कौन सा है, जुलाई और अगस्त, प्री पीरियड में कमाया हुआ। अच्छा अब क्या करें, कितना, क्या आपको पता है 393 दोनों का डिफरेंस भी होगा, आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस भी 399 ही होगा, 393 ही होगा, ऐसा ही है, 393 इस काबिल है। अब देखना 443 में से माइनस 50 में कर दूं तो यहां आके खड़ा हो गया। अब 393 इस काबिल है कि इसको मैं
दो बटा बारह और दस बटा बारह कर दूं, ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर एक्रूड इवनली एक्सेप्ट, बोलो ना, एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इन। ओहो, टैक्स एग्जाम तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। टैक्स तो, टैक्स के तो सवाल में दिया भी नहीं हुआ, और टैक्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, कहां लिखा हुआ टैक्स एग्जाम्प्ट है। मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं। द इन्वेस्टमेंट इनकम हैड बीन रिकॉर्डेड इन अगस्त 16, इन्वेस्टमेंट इनकम अगस्त 16 में रिकॉर्ड हुई है। टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस तो हमारे सिलेबस में कंसोलिडेशन की है ही नहीं। टैक्स की एडजस्टमेंट आपने मेरे से पूछनी है, क्लास के एंड पे पूछ लीजिएगा। मैं तो सिंपल सी जो बात कर रहा हूं, आप सुई उधर ना अड़ाएं, जो मैं बात कर रहा हूं वो करें। द इन्वेस्टमेंट इज रिकॉर्डेड इन अगस्त 16, ये किनकी इन्वेस्टमेंट, सादा सी बात है। द इन्वेस्टमेंट इज रिकॉर्डेड इन 16 किनकी, बस सादा सी बात है। जुलाई अगस्त वालों की है या सितंबर से जून वालों की है? अपना दिमाग उधर ना अड़ाओ, इधर लाओ। कि जुलाई अगस्त वालों की है, सितंबर से जून वालों की है? जुलाई अगस्त वालों की है। जब ये जुलाई अगस्त वालों की है तो फिलहाल इसको माइनस कर दें, बिकॉज खुदा ना खास्ता इस पे 2/12 10/12 ना लगे। आप इसको माइनस कर दिया, 2/12 60 320। लेकिन भाईजान इन दोनों का टोटल ये आ रहा होगा। मैंने कहा ये वाला बांट है, आप कोई साइंस मारें, जल्दी 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 कोई साइंस मारें। इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल तो 393 आ रहा है ना। मैं चाह रहा हूं कि आप 443 सोदी किंग और पुरानों और नयों में बांटे, तो मुझे 443 बंटवा के दिखाएं। 50 को क्या करूं, माइनस किया हुआ है, तो 50 को क्या कर दूं, जुलाई अगस्त वालों को दे दूं 50 पूरा, इनको ना दूं 50, इनको कितना दूं पूरा। दोबारा क्यों ऐड कर रहा हूं, क्योंकि माइनस हुआ है। अब आप मुझे बता दें टोटल 115 और इसका टोटल, इन दोनों का टोटल 443 की मैंने सही तकसीम कर दी है या कोई ज्यादा की है किसी के साथ? सही तकसीम कर दिया। अगर मैं 50 को 2/12 करता तो सऊदी किंग और उसके बड़े रोते कि भाइयों ये सारा साल नहीं कमाई, ये कोई आसमान से अगस्त में हमें तोहफा आया था, ये कोई अगस्त का तोहफा है जिस पे तुम्हारा हक नहीं है, ये हमारी वजह से शहबाज शरीफ जाते जाते तोहफा देके गया था। तुम होते ना तो तुम्हें किसी ने लिफ्ट भी नहीं करानी थी। तो इट मे हैपन इन पेपर कि ये इनकम जो है वो नियो की हो, फिर हम क्या करेंगे होमवर्क के सवाल में। होमवर्क के सवाल में आपने -50 करने, लेकिन ये वाला 50 आपको शायद इधर ऐड करना पड़े। ये तो होमवर्क के सवाल में आप करेंगे तो पता चलेगा कि 50 आपको इधर ऐड करना पड़े, बिकॉज ये किसका है, नए वालों का। चलें जी नोट कर लें। इसके अलावा ना आपने भी लाइन नहीं पढ़नी जो मैं येलो में हाईलाइट किया है, इसके अलावा आपने लाइन नहीं पढ़नी। इस लाइन को बार बार पढ़ के जो भी सवाल है आपका पूछे मेरे से। यार एनसीए की टेंशन नहीं लेनी, देखो इधर जो भी इसका प्रॉफिट होगा वो रेलिवेंट जगहों पे जाके, इधर है तो भी सीआरई एनसीए में चले जाने, इधर हुआ तो भी सीआरई एनसीए में चले जाने, वो तो चले ही जाने, उसकी टेंशन नहीं है आपको। तो एनसीए की टेंशन ना लिया, वो इन द एंड वर्किंग्स में सक्सेस हो ही जाना है। अच्छा भाई पता क्या कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं कि इस फिगर को भी 10/12 करते, इस फिगर को भी 10/12 करते तो भी हमारा काम चल जाता, लेकिन इस तरह नहीं करना, इस तरह इस वजह से नहीं करना कि फिगर तो सेल कॉस्ट ऑफ सेल एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं कितनी फिगर्स नहीं होंगी, वो सबको करते रहोगे इस तरह तो हम प्रॉफिट में से गलत वाली फिगर निकाल दिया करेंगे जो जीप सी फिगर है, और बाकियों को हम तकसीम कर दिया करेंगे। ओके चलें जी दोबारा देख लें। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसे सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं कॉन्सेप्ट को। सब्सिडरी की सेल बताएं 1524। सब्सिडरी के खर्चे बताएं 1131। सब्सिडरी की इनकम बताएं 50। ये भी आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, इसमें कोई मसला नहीं। कुछ चीजें दोनों में तकसीम कर दें, और अगर कोई बंदा कहता है जैसे घर में फल आते हैं तो फल आते हैं तो चलो जी सेब तो पहले वालिद साहब के कमरे में भेज दो, तो वो तो पहले भेजने पड़ेंगे ना, लफाफे पड़े होंगे फलों के, उसमें से सेब वालिद साहब के कमरे में जो भेजने होंगे तो माइनस करके भेजेंगे ना, माइनस करके उधर भेज देंगे, बाकी जो मिसाल के तौर पर चीजें बच जाएंगी वो बाकी सारे घर वालों में क्या कर देंगे, तकसीम कर देंगे। तो जो सेब का लफाफा आएगा उसको माइनस करके आप साइड पर रख लेंगे, 50 को माइनस करके साइड पर रख लेंगे, और जिस वक्त अमरूद आप बांट रहे होंगे सारे घर वालों में
तो वाले साहब के हिस्से में, वालदा के हिस्से में, भाइयों के हिस्से में, बहनों के हिस्से में, बेगम के हिस्से में, बच्चों के हिस्से में जो आएंगे, सबके तकसीम करते करते वो जो अमरूद होंगे उन अमरूदों में प्लस वो सेब डाल के, जो वाले साहब के हिस्से अमरूद आएंगे प्लस वो सेब डाल के उनके कमरे के अंदर ले जाएंगे। ऐसा ही होगा, पहले माइनस करके क्यों रखना पड़ेंगे, पहले माइनस करके वो सेबों का लिफाफा भी रखना पड़ेगा, बच्चों ने हाथ डाल देना उस पर, बहन भाइयों की नजर पड़ जानी उस पर, तो माइनस करके पहले उस लिफाफे को साइड पर रख देंगे, चुबा के रख देंगे, फिर जब अब्बू के कमरे में लेके जा रहे होंगे तो फिर प्लस करेंगे उसको, यानी वो जो अमरूद सब में तकसीम किए वो अमरूद भी और वो सेब का लिफाफा भी आप लेके जाएंगे। तो वो वाला मैंने माइनस किया था यहां पे और दोबारा जिसका बनता था उसको दे दिया, वेरी सिंपल। अच्छा आप ये फिक्रा पढ़ो, द इनकम्स इन द सेब एंड केले हैड अक्रूड इवनली ड्यूरिंग द ईयर एंड सॉरी द अमरूद एंड मैंगो एंड फला फला चीज हैड अक्रूड इवनली ड्यूरिंग द ईयर एक्सेप्ट सेब, द सेब इज रिलेट्स टू अबू, बस इस किस्म की कुछ लाइन है। द इनकम एंड एक्सपेंसिस अक्रूड इवनली ड्यूरिंग द ईयर एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इनकम। अगर नजर मारें प्रॉफिट कितने, 443। द इनकम एंड एक्सपेंसिस हैव अक्रूड इवनली एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इनकम, तो कोई मसला नहीं। 443 में से 50 क्या कर दें, कितना बचा, आर दीज अक्रूड इवनली इनटू 2/12 इनटू 10/12 60 328। लेकिन अभी तकसीम आपने सही नहीं की, किसी चीज पर तकसीम करते करते आपने बाहर निकाल के रख दिया, वो तो किसी को दे देना। 50 जुलाई अगस्त वालों का है या सितंबर से जून वालों का है, विच इज अर्नड इन अगस्त, विच इज अर्नड इन अगस्त, कमाया कब है अगस्त वालों ने, 14 अगस्त को कमाया होगा, 15 अगस्त को कमाया होगा, 16 अगस्त को, किसी एक खास दिन कमा लिया, वो सारा का सारा किसका है। अच्छा अगर ये लिखा होता विच इज अर्नड इन जुलाई एंड अगस्त तो भी ये ट्रीटमेंट होती, क्योंकि जुलाई अगस्त में है ही कौन लोग। विच इज अर्नड इन अगस्त, विच इज अर्नड इन जुलाई एंड अगस्त, विच इज अर्नड ऑन 2 जुलाई, विच इज अर्नड ऑन 3 जुलाई, कौन था जुलाई अगस्त में, पुराने। अब पुरानों को देने होंगे, पुरानों को कितना, 50। अब तकसीम पूरी हो गई, 115, 328। खुदा के लिए जिस वक्त इसको लेके जाइएगा वर्किंग टू में तो बीडी जमा ये कीजिएगा, बीडी जमा ये वाली फिगर, और ये 2/12 हो गई, ये 10/12 हो गई। अब इसको अगर वर्किंग टू में लेके जाना है, वर्किंग टू में लेके जाना है, तो कैसे लेके जाना है, बीडी भी चाहिए जमा 2 महीने का प्रॉफिट भी चाहिए, ये तो अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज किया है, नजर मार लें। वर्किंग टू में क्या जाता है जल्दी बताएं, बीडी भी जाता है और 4 महीने का प्रॉफिट भी जाता है। अब अगर वर्किंग टू में मैं लेके जाना चाह रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए, यकम जुलाई 16 तक वाला भी सऊदी किंग है, जुलाई अगस्त वाला सऊदी किंग है, तो बीडी जमा कीजिएगा, भोंगी ना मारिएगा कि ये 2/12 चुप करके 115 यहां लिख दे, सर ये 115 मैच नहीं कर रहा, बीडी जमा 2 महीने वाला जरा मैं करता हूं, अल्लाह करे मैच कर दे। बीडी क्या मैं 391 में इसका 2/12 करूं या इसकी सेटिंग करके 2/12 करूं। अब किसी को याद हो कि हम क्लासों में बीडी जमा 2/12 करते थे, याद है आपको बीडी जमा 2/12 करते थे। अब बीडी जमा 2/12 करूं या 2/12 को सेट करके लेके जाऊं, तो बीडी जमा 115, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है ये भी जुलाई अगस्त की चीजें हैं सारी, ये भी जुलाई अगस्त की हैं और ये तो है ही जुलाई अगस्त की। तो आप क्या करें, बीडी पकड़े कितने, 391 जमा 115। अच्छा राउंडिंग आपने इधर भी कोई राउंडिंग कराई थी, 60 65.5 और ये कितना था, 327.5 और ये 115 है सरिया 5, तो आप जरा देखें कितना आ रहा है, 506.5। क्लियर हो गया, तो 2/12 डायरेक्ट क्यों नहीं कर सके, क्योंकि कुछ किसका था, कुछ पुरानों का था। चलें जी इसको कहां ले जाएं, लिखें वर्किंग टू और इसको वर्किंग फाइव। एस प्रॉफिट 327.5। सारे इधर देखें, मैं 443 जरब 10/12 क्यों नहीं यहां लेके गया, जल्दी बताएं, 443 जरब 10 मैं लिख देता हूं, भाईजन पुरानी चीज लिखा करें वरना भूल जाती है,
ऐसे नहीं करना आपने, 443 जरब 10/12 नहीं लेके जाना, बल्कि क्या करके लेके जाने, सेटिंग करके लेके जाना, लिखें लिखें पुरानी चीज लिखें, 443 जरब 10/12, ना ना ना, 443 जरब 10/12 करेंगे, इसको सेट कर लें थोड़ा सा, इसको सेट कर लें थोड़ा सा। चलें जी, अब माशाल्लाह इन सारी फिगर्स को इधर बुला लें और बुला के छुरियां चला दें, पकड़ें जी पेरेंट की सारी फिगर्स। ये जो मैंने काटी हैं बातें, ये मैं भी बताता हूँ इनका मतलब क्या था। जब जब इवनली नहीं होगा, जो फिगर इवनली नहीं होगी तब उसका ये सलूक किया जाएंगे। कल इंशाल्लाह रिवीजन करेंगे इसकी, कल रिवीजन करेंगे इस कॉन्सेप्ट की, और कल नियों को कुछ देंगे, होमवर्क का सवाल होगा, ट्राई आप खुद करेंगे इंशाल्लाह, कल मैं कराऊंगा। पकड़े 2060 और 2060 15 1524 का 10/12 ले लें हम, 1524 का 10/12 ले लें हम, ले लें, एक्सेलेंट, 1524 का 10/12 लेने थे, खुदा के लिए हमें रोकिएगा ना मुझे, इट इज एक्रूड इवनली, ये वहां होने लगी है, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सबर 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 1730 जमा 1131 1131 का 10/12 ले लूं मैं, ले लूं 10/12 कितना 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 1730 जमा 1131 यार 2/12 को आप लिफ्ट क्यों नहीं करा रहे, जुलाई अगस्त 2/12 मेरे मुंह से निकल गया, अच्छा लफ्ज जुलाई अगस्त है, जुलाई अगस्त को क्यों नहीं लिफ्ट करा रहे, पुरानों के पुरानों के ले लू 50 का 2/12 भाई जान, ये ऐसी चीज है जो लिख के माइनस नहीं करनी, ये लिखनी ही नहीं, कितने लोगों के दिल में आ रहा था लिखे ही ना, कुछ लोगों के दिल में आ रहा था लिखे ही ना, ये 50 लिखनी ही नहीं, लिख के माइनस करना मैं नहीं कह रहा, एग्जामिनर उस बंदे को ज्यादा वेटेज देगा जो इस 50 को लिखेगा ही नहीं, वजह क्या है, इसलिए कि वो बंदा जुलाई अगस्त की सेल भी नहीं लिख रहा, नहीं लिख रहा जुलाई अगस्त की सेल, देखें जाके जुलाई अगस्त की सेल वो नहीं लिख रहा, वो बंदा जुलाई अगस्त की कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं लिख रहा, वो बंदा आप है, वो बंदा आप है, वो जुलाई अगस्त की सेल भी नहीं लिख रहा, वो जुलाई अगस्त की कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं लिख रहा, अब जब वो जुलाई अगस्त का लिखने लगा 50, ये तो जुलाई अगस्त है। चलिए बिस्मिल्लाह रहमान, दोबारा ट्राई करो, हाँ जी 1524 ले लो 10/12 ले लो, ले लो 10/12 जी 1131 का 10/12 में अपना हिस्सा कर लो, 1131 का 10/12 50 का कुछ कुछ हल्का फुल्का, हल्की फुल्की चलती है आपने के दोनों, हल्की फुल्की चलती है 50 का कुछ थोड़ा बहुत, तो 50 इस काबिल भी नहीं है कि हम अपने पीएनएल के मुंह पे शो करें, सऊदी किंग को बुरा लग जाएगा, 50 को शो भी नहीं करना, शो करके माइनस करना दूर की बात है, शो ही नहीं करना, रीजन सेल का भी तो 2/12 शो नहीं कर रहे, कॉस्ट ऑफ सेल का भी तो 2/12 शो नहीं कर रहे, तो 50 उसी बरादरी से है, 2/12 वाली बरादरी से, बल्कि 2/12 तो करना ही नहीं इसका, 50 जुलाई अगस्त है, इस वजह से इग्नोर किया, और शायद घर में ये वाली फिगर इधर आए तो फिर आप सोचेंगे पीएनएल के मुंह पे क्या करें, फिर शायद आप सोचें कि ये सितंबर से जून वाला ये तो सारा ही हम, शायद कुछ ऐसा पता नहीं घर में सोचें, लेकिन ये तो घर जाएंगे तो आज पता चलेगा क्या होता है। एडजस्टमेंट है ना सवाल में, हाँ एक एडजस्टमेंट है, कौन सी एडजस्टमेंट है, डिविडेंड की एडजस्टमेंट है। अच्छा जी एस ने पे कर दिया, तो अगर एस ने अगर पे कर दिया तो एस ने तो पूरा पे किया होगा ना, 130 तो ये पूरा सफ है ना, मैच भी 130 सामने आ रहा, 130 तो ये पूरा सफ है ना, तो एस ने पे कर दिया, तो पी को कितना रिसीव हुआ होगा, पी को कितना रिसीव हुआ होगा 65, ये पी को रिसीव हो गया होगा तो इसने कहां डाल लिया होगा, अदर इनकम में डाल लिया होगा, तो अदर इनकम से क्या करें, निकालें, ये फुट नोट में चौथी दफा आज मैं लिखने लगा हूं, पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड, वो ना डिविडेंड परसेंटेज पहले लगी हुई है 84.5, मैं जवाब देने लगा उसने कहा चुप करो सही है गाय अच्छी बात है जी माइनस कर रहा हूं ओके चलें जी
मान दे रहा हूँ जी, टोटल बता दें 763। यार मुकाओ काम में छेड़ती हमने क्या। तो यार जो तू एनसीए की टेंशन ले रहा था ना, एनसीए को सेट कर लेते हैं भाई। देख तू एनसीए की टेंशन ले रहा था ना, असल में एनसीए को ये जो 50 है इसमें तो अब है ही सारा बोला, तो 50 को हम इधर तकसीम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। 50 तो पुराना हो गया ना, तो 3.5 जो भी बचा उससे हम ले लेते हैं, उसका एनसीए को दे दें। कितना? 320 मल्टीप्लाइड बाय 30 648.4 अच्छा जो मैंने कटवाया हुआ है वो मैं इंशाल्लाह आपको कल करवा दूंगा। वर्किंग 2 और 5 कर दें, वर्किंग 2 और 5 कर देना यार, रिवीजन हो जाए प्लीज। वर्किंग 2 और 5 कर दें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यस इफ ही इज मैन ऑब्वियसली। जल्दी करें, अगर बंदे का पुत्र है जल्दी करें। करना क्या है? वर्किंग 2 और 5 भाईजान प्लीज, पहले वो जो अपोर्शनमेंट है एस का प्रॉफिट एंड लॉस ध्यान में सोच लें, उसमें क्या मसला होगा ये फिर सोच लें। हाथ खड़ा करने कर लिया था, सोल्यूशन पहले बना लें, घर जाके किसी क्वेश्चन बना लीजिएगा। चले मैं आपको सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला पी एंड एल के एक्सट्रैक्ट्स भी दिखा देता हूं, अगर आप कहते हैं अब थोड़ा हेल्प हो जाएगी। ये मैंने आपको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स दिखा दिए हैं सब्सिडरी के, अदर इनकम पड़ी हुई है ना यार, कितनी पड़ी हुई है इसमें? 20 में 2 रुपए अदर इनकम पड़ी हुई है, 20 में 2 रुपए अदर इनकम पड़ी हुई है। ये मैंने आपको 20 और 2 क्या दिखाया है, 20 और 2, ये मैंने 443 और 50 दिखा दिया मैंने आपको, पीछे क्या रह गया है? हो गया, वेल डन। अच्छा जी देखें भाई, ये क्लोजिंग एस आर ई है, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर है। अब आप मुझे बताएं जो प्रॉफिट है पी एंड एल एस का सेपरेट वाला,
इसमें कितने रुपए पड़े हुए हैं? दो रुपए पड़े हुए हैं, जिसके बारे में कोई कहानी है कि ये फिर इवनली नहीं है, ये इवनली नहीं होगा। तो वही जो मैंने थोड़ी देर पहले अभी काम किया था, मैं पकड़ता हूँ किसको, 20 को, 20 में से माइनस कर दूं दो, कितना बचा? 18। 18 का, और यार वो 18 का जल्दी जल्दी बताएं, 18 का कितने बटा 12? 4/12 किसको दे दें? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कितना हो गया? 6। और 8/12? 12। लेकिन ये तो 12 + 6 = 18 है, मैंने तो 20 की तकसीम करानी है। इनको 2 रुपए दे दें, ये 8 हो गए और इनके 12 हो गए। अच्छा, ये नहीं वर्किंग टू में लेके जाना, इसके साथ बीडी भी लेके जाना है, बीडी भी लेके, ये तो इसका 4 महीने का प्रॉफिट है ना, वर्किंग टू में बीडी जमा 4 महीने का प्रॉफिट जाना है। ये वर्किंग टू में जाएगा और ये वर्किंग 5 में। चलिए जी, बिस्मिल्लाह, वर्किंग टू। अच्छा, किसी को याद है ये वाली फिगर, ये होती है 30 वाली, प्री बीडी जमा 4 महीने, ऐसा ही है, बीडी जमा 4 महीने। जी बीडी कितना? 10। 4 महीने 8, टोटल 18। डन। फिर आगे सीआरई एनसी अलग अलग नहीं हो सकता क्योंकि मैंने वो परसेंटेज नहीं दी। ये हो गई एसआरई, एस प्रॉफिट। भाईजन 20 ضرب 10, 8/12 नहीं करना, ये आप ना करें, आपने एक वर्किंग कर ली, अल्लाह का शुक्र है, उसी को उठा लें। एस प्रॉफिट कितना? 12। बैठे रहे बैठे रहे, मुझे पता है 12:40 एग्जैक्ट हो गए हैं। होमवर्क करने के फजाइल और ना करने के नुकसान मैं बताने लगा हूं। कितना मैंने इसी तरह किया था, हाथ का करके बता दें। वेल डन भाई, होमवर्क में आज 20-20 मिनट के दो क्वेश्चन है, 20-20 मिनट के दो क्वेश्चन है, वो मैं आपको दिखाने लगा हूं। एक तो बहुत पुराना क्वेश्चन है जो कि काफी अरसे से हमारा रहता था, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। कभी खाली पी एंड एल का सवाल ट्राई करें जिंदगी में, क्वेश्चन नंबर 28, एज ऑन टाइप चीजें डालेंगे या फॉर द ईयर टाइप। और मैंने आपके समझने के लिए हैंड रिटन पेज नंबर 6 और 7 वाली जनरल एंट्रीज भी कर दी है, ऐसे ही आपके समझने के लिए हैंड रिटन पेज 6-7 वाली जनरल एंट्रीज भी कर दी है। लेकिन ये सवाल आपको ना बड़ा कॉन्फिडेंस देगा, खाली पी एंड एल का सवाल, ये मैं आपको भी पेज नंबर इंशाल्लाह दिखाऊंगा। एक फिर आपने जाना है अपनी किताब में, और किताब में जाकर आपने जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हैं, जिनको हमने शायद शुरू वाले दिनों में खोला था, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन, उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 25 करना है, जिसमें पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी और 2-3 एडजस्टमेंट दी हुई है। ये भी खाली पी एंड एल का सवाल है, और इस सवाल में भी लिखा हुआ है प्रॉफिट आर एक्रूड इवनली एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम में कोई मसला है। लेकिन ये सारा कर लेने के बाद आपको अगर मैं शो करूं, मैं घर से तैयारी करके आया हूं, आप घर से तैयारी करके आते हैं जिस तरह मैं भी घर से तैयारी करके आया हूं, ये लेक्चर 78 है। तो ये जी आज का क्लास वर्क था, और ये आज का होमवर्क है जी। हाँ जी, टाइम 20-20 मिनट मैंने आपको बता दिया, 20-20 मिनट में 2 सवाल इंशाल्लाह, 7 वाले को ले जाए इंशाल्लाह, कल 2 दफा मिलेंगे, दूसरी दफा 3:15 से 5:15। नहीं यार, यूट्यूब पे नहीं यार, मैं मेरे साथ बैठ के यार, कल सबने आना यार, कल सबने आना, प्लीज प्लीज।